गाइस आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की सबसे ज्यादा प्रीमियम स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच एक्चुअली फीमेल्स के लिए बनाई गई है। ये इतनी ज्यादा प्रीमियम है कि आप अपनी मम्मी बहन गर्लफ्रेंड वाइफ को गिफ्ट कर सकते हो एंड वो बहुत ज्यादा इसको देख के खुश हो जाएंगे। इसका नाम है फायरबोल्ट एमरल्ड। हेलो गाइस, मैं हूं कैफ नॉइस टेक से एंड आज मैं आपको बताऊंगा मुझे ये वॉच कैसी लगी है। सबसे पहले तो इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ही देखो। बड़ा सा डब्बा आएगा, उसको खोला, उसके अंदर ये कैरी बैग मिलता है एंड उसी के साथ साथ अंदर ही आपको बड़ा सा डब्बा मिलता है। इसको खोलने से पहले अंदर आपको एक लेटर मिलेगा जहाँ पे दिया गया है फायरबोल्ट ने स्वारोव्स्की के साथ पार्टनरशिप किया है। उसी के अंदर लिखा है इसमें आपको 12 क्रिस्टल्स मिल जाते हैं वॉच में एम्बेडेड। हम आगे इसकी बात करेंगे ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद ये डब्बा देखो, पूरा एकदम फैब्रिक से बना हुआ है, ऊपर फायरबोल्ट का ब्रांडिंग है एंड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिखता है भाई। सबसे पहले नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसको ऐसे खींचा तो ऊपर आपको आपका ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है। वायरलेस चार्जर भी देखोगे तो ऐसा हार्ट शेप का आपको देखने मिलेगा। उसके बाद एक छोटा सा पाउच मिलता है, इसके अंदर आपके वारंटी कार्ड, मैनुअल मिल जाएगी, बाकी सारे कार्ड्स मिल जाएंगे जैसे आपको फायरबोल्ट के हर प्रोडक्ट में मिलते हैं। एक जिपलॉक की छोटी सी बैग मिलेगी जिसके अंदर आपको दो पिन्स मिल जाएंगे क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा मेटालिक स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप दिया गया है एंड ये स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप मुझे ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने उसी को ही लगा लिया। बट जो बाकी जो दूसरा स्ट्रैप दिया गया वो भी लेदर मटेरियल का एंड काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड आपके पास डेफिनेटली दो ऑप्शन दिए गए हैं। उसी के बाद ऊपर से आप खोलोगे तो आपकी वॉच सामने दिख जाएगी एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने वॉच को देखा भाई क्या अलग, क्या प्रीमियम, क्या महंगी दिख रही है ये वॉच। पूरा अलग डिजाइन है, ऊपर आप देखोगे इसका डिस्प्ले तो पूरा डायमंड कट डिस्प्ले है, मतलब एक नॉर्मल फ्लैट 2.5D कर्व पैनल नहीं है, एक पूरा डायमंड कट डिजाइन है डिस्प्ले के ऊपर जो बहुत ज्यादा ही मस्त दिख रहा है। मतलब भाई मैंने सच बता रहा हूँ इस प्राइस ब्रैकेट में आज तक ऐसी कोई वॉच नहीं देखी जो इतना ज्यादा अलग दिखती है। और उसी के साथ साथ जो स्टेनलेस स्टील मेटालिक स्ट्रैप की पेयरिंग है ये और ज्यादा इस वॉच के लुक्स को एनहांस करती है। डेफिनेटली लुक्स वाइज बहुत ही ज्यादा मस्त लगी मुझे वॉच। उसके बाद जहाँ पे हमारे स्ट्रैप्स लगते हैं वहाँ पे आप ईच साइड पे देखोगे तो 6-6 क्रिस्टल्स लगे हुए, टोटल 12 क्रिस्टल। जैसे मैंने स्वारोव्स्की का लेटर दिखाया उसमें लिखा था 12 क्रिस्टल्स एंड ये क्रिस्टल्स को देखकर ये वॉच का लुक और एनहांस हो जाता है। डेफिनेटली लुक्स वाइज फायरबोल्ट एक बहुत ज्यादा अच्छी वॉच बनाई है। इनकी वेबसाइट पे 3 कलर ऑप्शंस है, मेरे पास एक गोल्ड रोज गोल्ड वाला कलर है जो दिखने में सही में क्लासी लगता है एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मुझे सच बताओ तो सबसे अच्छा कलर भी यही लगा। यहाँ पे फायरबोल्ट ने एक सिंगल बटन दिया है जो बेसिकली दबता है, मतलब डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम करता है एंड साथ ही साथ रोटेटिंग क्राउन वाला भी काम कर लेता है। वॉच के ऊपर ही आपको 10-11 वॉच फेसेस देखने मिल जाते हैं, अच्छे वाले वॉच फेस है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, बाकी तो ऑफकोर्स फिट क्लाउड प्रो के ऐप में और मिल जाएंगे आपको। एंड उसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करूं तो ये एक 1.09 इंच का डिस्प्ले है। यस, TFT है, 240x280 का रेजोल्यूशन है, छोटा डिस्प्ले क्योंकि ऑफ कोर्स फीमेल्स के लिए बनाई गई है, अच्छा दिखता है क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा डायमंड कट फिनिश है। हाँ, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं मिलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेंसर की बात करो तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है जो काफी डिसेंट काम कर लेता है, स्लीप ट्रैकिंग मिल जाती है, विमेन मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग मिल जाती है। बट मैं आपको बताऊं तो इस वॉच में आपका जो प्रायोरिटी है वो बेसिकली लुक्स होना चाहिए, सेंसर्स नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी सी महंगी वॉच है बट वो लोगों ने यहाँ पे लुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उसी के बाद अगर मैं मेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपको सारे ही बेसिक फीचर्स, पहले तो फायरबोल्ट का जैसे आपको UI मिलता है हमेशा वैसे ही टाइप का कुछ UI मिल जाता है, ऊपर से नीचे पूरा कंट्रोल सेंटर है, अंदर काफी सारी सेटिंग्स दी गई है, नीचे से ऊपर नोटिफिकेशन दिखेंगे, राइट साइड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, प्लस करके कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपका मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें जैसे विमेन हेल्थ ट्रैकिंग मिल जाती है जो ऑफकोर्स विमेन्स वॉच है इसलिए जरूरी है। उसके बाद वर्कआउट से 11 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, ये सारी चीजें मिल जाएगी। एंड सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो रेस्ट टू, एक वाइब्रेशन इंटेंसिटी कम ज्यादा, वॉच के ऊपर पासवर्ड लगाना, ये सारी चीजें हो जाती है। मैं इसलिए आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि यहां पे जो मेन प्रायोरिटी है वो लुक्स है एंड उन्होंने डेफिनेटली उस चीज को नेल किया है। एंड बैटरी लाइफ की बात करो तो ये वॉच कॉलिंग नहीं है इसलिए आपका इजिली 3-4 दिन चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफकोर्स बॉक्स के अंदर वायरलेस चार्जर मिल जाता है जिससे आराम से इसको चार्ज कर सकते हो, 1-1.5 घंटे के आसपास में फुल चार्ज हो जाती है। तो भाई इसका लॉन्च है 5999। ऑफकोर्स ये वॉच सबके लिए नहीं है, पहले तो फीमेल्स में भी ये सबके लिए नहीं है, ये वॉच उन फीमेल्स के लिए जो बेसिकली वो 10-15-20 हजार वाली वॉचेस नहीं ले सकती है, उनका थोड़ा सा बजट कम है, जिनको सही में अच्छा थोड़ा सा स्टाइलिश लग्जरी फील चाहिए एक थोड़ा सा कम प्राइस में। एंड ऑफकोर्स पार्टीज में, शादियों में डेफिनेटली ये वॉच बहुत ज्यादा उठ कर आएगी, ये वॉच उनके लिए। इसलिए अगर आप मम्मी बहन गर्लफ्रेंड वाइफ के लिए कोई वॉच लेने का सोच रहे हो डेफिनेटली आपको इसको चेकआउट करना ही चाहिए। इसको बाय करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय।